हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ आप अपना PNR नंबर से ट्रेन टिकट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम तब आता है जब आपके पास IRCTC ID नहीं हो, या फिर पासवर्ड भूल गए हैं, या फिर दोस्तों आप किसी अनदर एप्लीकेशन से टिकट बुक किए हैं और कैंसिल करने में असक्षम हो, असमर्थ हैं, या फिर दोस्तों आप IRCTC में लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपने ट्रेन टिकट बुक कर लिया है और सिर्फ आपके पास PNR नंबर है तो आप आसानी के साथ ट्रेन टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैंसिल कैसे किया जाता है, उससे पहले दोस्तों आपको एक जरूरत होगा एक ईमेल आईडी की। दोस्तों, ईमेल आईडी वही वाला चाहिए जिस ईमेल आईडी से आपने IRCTC अकाउंट बनाया था, IRCTC अकाउंट रजिस्टर किया था और वही अकाउंट से आपने ट्रेन टिकट बुक किया है। दोस्तों, यहां पर कोई और ईमेल आईडी नहीं चलने वाला है। आप जिस ईमेल आईडी से IRCTC का अकाउंट बनाया है वही ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और वही अकाउंट से आपका टिकट बुक होना चाहिए, तभी आप कैंसिल कर सकते हैं सिर्फ PNR नंबर से। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ईमेल आईडी खोल लेना है। ईमेल आईडी खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंपोज वाले बटन पे क्लिक करना है। कंपोज वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है e-tickets। इस ईमेल आईडी पे दोस्तों आपको ईमेल करना है 2 में, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो चीज़ पूछा जाएगा, सब्जेक्ट है यहाँ पे कंपोज ईमेल। सब्जेक्ट में आप लिख दीजिएगा दोस्तों CANCEL कैंसिल टिकट्स, TICKETS, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल टिकट्स लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कंपोज में आपको यहाँ पर ये सब लिख दीजिएगा, फॉर्मेट मैं पहले से तैयार किया हुआ हूँ, बस आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाना है। देख सकते हैं PNR नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑल पैसेंजर्स टिकट कैंसिल, मैंने जितना पैसेंजर टिकट का कैंसिल करना चाहते हैं उतना का यहाँ पे लिख दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मान के चलिए आप एक टिकट में 4 लोगों का टिकट बुक किए हैं तो यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा कि इस नाम से और इस नाम का और इस नाम का टिकट आपको कैंसिल करना है, तो वही 2 लोगों का टिकट कैंसिल हो जाएगा और लिख दीजिएगा 2% टिकट कैंसिल, ठीक है। और दोस्तों, अगर सबका करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ऑल पैसेंजर टिकट कैंसिल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर DOJ लिख दीजिएगा। DOJ का मतलब दोस्तों डेट ऑफ जर्नी, आप किस दिन को जाना चाहते थे, किस दिन को आपका टिकट था, तो यहाँ पर दोस्तों लिख देना है, जैसे कि मेरा था 30 नवंबर 2022 को। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ लिख देना है कहाँ से कहाँ तक था, तो दोस्तों यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं पटना से आरा के लिए था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली से आपको ब्लू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सेंडिंग हो रहा है, मेल सेंड हो गया है और इसका रिप्लाई दोस्तों बहुत ही इमीडिएटली आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मेल सेंड फाइनली हो गया है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आइएगा, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप सेंड वाले ऑप्शन में जा करके देख लीजिएगा कि मैंने ईमेल सेंड सक्सेसफुली कर दिया है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं ईमेल सेंड हो गया है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर 2 टिकट लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर भेजा गया है इस ईमेल आईडी के द्वारा, और दोस्तों इस ईमेल आईडी पर भेजा गया है etickets@IRCTC.co.in पर भेजा गया है। तो दोस्तों इसका रिप्लाई विद इन वो आधा घंटा या फिर 1 घंटा के अंदर दोस्तों आ जाता है, और आपको उसी ईमेल आईडी से ईमेल भेजना है जिस ईमेल आईडी से आपने IRCTC का अकाउंट बनाया था और उसी अकाउंट से आपने ट्रेन टिकट बुक किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने जाना कि अगर आपके पास सिर्फ PNR नंबर है तो ट्रेन टिकट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसका रिप्लाई बहुत ही जल्दी आ जाता है, आधा या फिर 1 घंटा के अंदर आ जाता है और ऑटोमेटिक ट्रेन टिकट कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों, यह सुविधा से आप ट्रेन टिकट कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।